यह फिल्म माँ शीतला जी की पुरातन कथाओं पर आधारित है। इस फिल्म की कथाओं की जानकारी श्री सुरेश कुमार नागर जी ने विभिन्न राज्यों के उच्च विद्वानों बुजुर्गों से प्राप्त की है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त भिन्न भिन्न जानकारी से श्री सुरेश कुमार नागर जी को जो सत्य ज्ञात हुआ वह इस फिल्म में दिखाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। वास्तव में सत्य क्या है वो तो माँ शीतला ही बेहतर जानती हैं। माँ शीतला के आशीर्वाद से इस फिल्म का निर्माण करते समय यदि हमसे किसी भी प्रकार की कोई भूल हो गई हो अथवा कोई कमी रह गई हो हम माँ शीतला व माँ के भक्तों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य माँ के भक्तों की भावनाओं को माँ से जोड़ना है, ना कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना। श्री सुरेश कुमार नागर जी ने क्या खूब कहा है, मेहनत के रंगों से ही सपने साकार हुआ करते हैं, मेहनत के रंगों से ही सपने साकार हुआ करते हैं, हौसले हों बुलंद जिनके वही तूफानों से लड़ा करते हैं, वही तूफानों से लड़ा करते हैं। पहले आप हाथ मुंह धोलो, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? बच्चों खाना लग चुका है, खाना खा लो। आज हमने आपके लिए खीर बनाई है। अरे जियो भाग्यवान, जवाब नहीं आपका। जवाब तो आपका भी नहीं है पंडित जी, आपको तो बहाना चाहिए हमारी झूठी तारीफ करने का। अरे भाई, हम आपकी झूठी तारीफ क्यों करेंगे भला, जो सत्य है वो सत्य है। बातें बनानी तो कोई आपसे सीखे। लो कर लो बात। मम्मी हम शीतला माता की पूजा क्यों करते हैं? बेटे ऐसे करो, अपने दादाजी से जाके पूछ लो। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह भाग्यवान, जवाब नहीं आपका, आज तो खाने का मजा ही आ गया। धन्यवाद आपका। प्रणाम दादाजी। आओ बेटा। दादाजी दादाजी, हम शीतला माता की पूजा क्यों करते हैं? बेटा, हम शीतला माता की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करता है, माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है और उसकी रक्षा भी करती है। दादाजी दादाजी, हमें शीतला माता के बारे में और भी कुछ बतलाओ ना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, मेरे पास बैठो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो। ये बहुत पहले की बात है, इस संसार में भूत प्रेतों का वास होता था
और जब भी किसी दुल्हन की डोली जाती थी तो बुरी आत्माएं उसके पीछे लग जाती थी।
उसको मार डालती थी। और जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो डायने उसे उठा ले जाती थी। जाती थी और आते जाते मुसाफिरों को डायने अपना रूप बदल कर डराती रहती थी। से मुसाफिर डर के मारे बीमार पड़ जाते थे और कमजोर दिल वाले तो मर भी जाते थे। इसीलिए बेटा इस दुनिया में सभी का जीना दुश्वार हो चुका था और इस दुनिया में एक लाइलाज बीमारी भी फैल चुकी थी। जिसके कारण चेहरे पर छोटे छोटे दाग पड़ जाते थे और लोगों का चेहरा क्रूप लगने लग जाता था और कईयों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो जाती थी। बेटा इस दुनिया को
भूतों प्रेतों और इस बीमारी से मुक्ति के लिए शीतला माँ ने इस धरती पर अवतार लिया। बोलो शीतला माँ की जय। और माँ ने अपने भक्तों से कहा कि जिस गांव शहर में मेरा मंदिर या थान होगा और जो भी प्राणी मेरी सच्चे मन से पूजा करेगा, मैं उसकी बुरी आत्माओं और बीमारियों से सदा रक्षा करूंगी। अच्छा। और बेटा, उस दिन से लेकर आज तक किसी को कोई भी दुख तकलीफ या वो बीमारी होती है तो माँ के भगत शीतला माँ का नाम लेकर झाड़ा लगा देते हैं और माँ शीतला बीमार भक्तों को ठीक कर देती है। बेटा, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसीलिए जो भी इंसान सच्चे मन से माँ शीतला की पूजा करता है, माँ उसकी दुख तकलीफ और बुरी आत्माओं से मुक्त कर देती है। इसीलिए हर गांव और शहर में माँ शीतला के मंदिर और थान बनाए गए हैं, जिससे बुरी आत्माओं और बीमारियों पर माता का पहरा लगा रहे। और इसीलिए बेटा, हर साल चैत्र के महीने में माँ शीतला को गुलगुले और पूड़े पापड़ियों का भोग लगाया जाता है और माँ शीतला का सबसे बड़ा धाम गुड़गावा में है, इसीलिए माँ को गुड़गावा वाली भी कहते हैं। और माँ शीतला को हर जाति का इंसान पूजता है। माँ शीतला रानी तो गुड़गावा की रानी, भक्ता ने तो ठंडे जोल दिए। जब भी किसी की शादी होती है तो दुल्हा दुल्हन को माँ के मंदिर में माँ की पूजा के लिए ले जाया जाता है, जिसको हम गठ जोड़े की जात भी कहते हैं। हकीकत में तो हम बेटा माँ का धन्यवाद करने के लिए जाते हैं कि हे माँ, तुम्हारी कृपा से हमारे दुल्हा दुल्हन सही सलामत घर आ गए। माँ, आपका लाख लाख शुक्र है। और बेटा, नव शिशु के पहले बाल भी माँ के धाम पर उतरवाए जाते हैं ताकि हमारे बच्चों पर कोई भी मुसीबत ना आए। तो इसीलिए बिटिया, हम सब माँ शीतला की पूजा करते हैं ताकि हम सब का जीवन आनंदमय व्यतीत हो। तो बच्चों, प्रेम से बोलो जय माँ शीतला गुड़गामा वाली, तेरी सदाई जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हैप्पी भैया, राखी बंधवा लो। आया दीदी। ओरी मोरी बहना, दिल में तेरे
दीदी जब आपकी शादी हो जाएगी आप मुझे राखी बांधने तो आया करूँगी ना, कहीं भूल तो नहीं जाओगी? हैप्पी भैया, हमने कहीं नहीं जाना, हम तो यही रहेंगे आपके पास। दिल में तेरे जो भी है कहना। पिया के घर तो जाना ही पड़ेगा। देखिए ना पिताजी, भैया क्या बोल रहे हैं, पिया के घर तो जाना पड़ेगा, पिया के घर तो जाना ही पड़ेगा, पिया के घर तो जाना ही पड़ेगा, पिया के घर तो जाना ही पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे अपने पिताजी। पिया के घर तो जाना ही पड़ेगा, पिया के घर तो जाना ही पड़ेगा, पिया के घर तो जाना ही पड़ेगा। अरे गिर मत जाना कहीं। अरे भाई कोई घर पे है? आओ आओ प्रेमचंद जी बैठो। प्रणाम भैया जी। जीते रहो जीते रहो। अरे भाग्यवान देखो प्रेमचंद जी आए, कोई चाय पान लेकर आओ भाई। और सब भाई खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? अरे हाँ भाई साहब सब ठीक ठाक है। अरे हाँ मैंने एक लड़का देखा है अपनी महक बिटिया के लिए, अगर आपकी समझ में आए तो राम भला करे। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भैया जी। अरे भाई भाग्यवान देखो तो लड़का कैसा रहेगा महक के लिए। लड़का देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी जैसा आप ठीक समझे, मुझे तो लड़का पसंद है। लो भाई साहब भाभी जी की तो हाँ हो गई। और ऐसे रिश्ते तो बड़े कर्मों से मिलते हैं भाई साहब, राम भला करे। घर परिवार बहुत अच्छा है, जमीन जायदाद है राम भला करे, महक बिटिया राज करेगी राज, राम भला करे। तो प्रेमचंदी कब चले लड़का देखने? लो भाई अरे नेक काम में देरी क्यों, कल ही चलते हैं, राम भला करे। तो ठीक है चाय पीजिए आप। जी राम भला करे। राम भला करे। मुंशी जी। हाँ जी। देखो तो बाहर कौन आया है। मालको मैं देखना कि गुजरां दी गूना गेटां टक्करां मार दी होवे, मैं देखना कि काले कसियाले ना हुण मुछ टका के। मुंशी कोई बंदा बुंदा मारनी ते मैनू दसी। ओ बह जा बड़ा आ मरीज कुड़ी, बंदा बुंदी मारनी ये ता साडे अर्गे पंजाबीआं दा काम आ मुछ टका के। आओ आओ प्रेमचंद जी मुछ टका के। कैसे हो मुंशी जी, राम भला करे। आइए आइए प्रेमचंद जी। राम भला करे। बैठिए बैठिए। क्या बात है प्रेमचंद जी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। क्या बताएं नफे चंद जी, कुछ काम काज ही ऐसे समय निकलता ही नहीं है, राम भला करे। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे परम मित्र। नमस्कार जी। जिनकी लड़की के बारे में मैंने आपसे बात की थी, राम भला करे। अच्छा अच्छा याद आया। अरे मुंशी जी जाओ कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ मालको तुसी 10 मिनट डिको, मैं 1 मिनट चाया मुछ टका की। अरे क्या बात है प्रेमचंद जी, हमें भी तो पता चले। बात तो कुछ भी नहीं है नफे चंद जी। राम भला करे। कुछ लेन देन? अरे लेन देन कैसा प्रेमचंद जी, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, बस हमें तो एक सुशील कन्या चाहिए जो इस घर को संभाल सके। आप तो जानते ही हैं कि साहिल की माँ का तो बहुत देर पहले देहांत हो चुका है, जब छोटा बेटा सनी पैदा हुआ था। बस छोटा सा परिवार है, ये समझ लीजिए कि हमें बहू नहीं बेटी चाहिए जो इस घर को संभाल सके। धन्य हो गए नफे चंद जी, आपके विचार बड़े धन्य हैं, आप जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, राम भला करे। लो साहिल बेटा भी आ गया। प्रणाम पिताजी। राम भला करे। पिताजी 1 मिनट आया। नफे चंद जी हमारे मित्र जी को लड़का पसंद है, आप कब आ रहे हो लड़की देखने के लिए, राम भला करे। देख लीजिए अगले रविवार को आ जाएंगे। ठीक है नफे चंद जी,
अगले रविवार फिर आपके स्वागत में रहेंगे। राम भला करे। आज्ञा दीजिए, राम भला करे। हाँ भाई साहब, बुलाइए महक बिटिया को, राम भला करे। अरे भाई सुनती हो, महक बिटिया को लेकर आओ। तो हाँ नफे चंद जी, इनकी तरफ से तो हाँ है, अब आप बताओ, राम भला करे। अरे भाई हमारी तरफ से भी हाँ है। हाँ जी मालको, जे इन्हां दी भी हाँ ते अपनी भी हाँ, क्यों कर दियो ठंडी चाह, पहला चाह पियो गर्म गर्म, फिर मिठा मुंह करो बर्फी खा के, फिर राम भला करे मुझ टिका के। क्यों मुंशी जी, अब बोलो ना मुस्टिका के, रख दी ना प्रेमचंद जी ने सीप लगा के। ओ बैजा बैजा, तू चुप करेगा जुतियां खा के, चौड़ कर दा जूपी तो आके, असी हुन्या पंजाबी मुस्टिका के। हाँ तो प्रेमचंद जी, आप जब कहोगे हम बारात लेकर आ जाएंगे। ठीक है नफे चंद जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आपको बता देंगे, राम भला करे। सच
मैं परदेस। मुझको तो पाला बाबुल फूलों की तरह रे, बाहों में झुलाया बाबुल झूलों की तरह रे, अब काहे दियो परदे, अब काहे दियो परदे। बाजार जा रहा हूँ, आपने कुछ मंगवाना तो नहीं? हाँ सनी भैया, आते हुए पूजा का सामान लेते आना। भाभी माँ, आपको पूजा के सामान के लिए क्या चाहिए मेरे को बता दो, मैं ला दूंगा। हाँ, एक तो अगरबत्ती, धूप, जोत के लिए देसी घी और प्रसाद लेते आना। ठीक है भाभी माँ, मैं ला दूंगा आपको।
भाभी माँ आ गया सनी। ये लो भाभी माँ, जो आपने सामान मंगवाया था मैं ले आया। धन्यवाद। ठीक है भाभी माँ। हे माँ, हमारे परिवार पर सदा कृपा बनाए रखना। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो। भाभी माँ, मैंने अपनी माँ का तो कभी देखा नहीं, पर आज शीतला माँ की कृपा से माँ की कमी पूरी हो गई। हे माँ, इससे सदा खुश रखना। हे माँ शीतला, तेरी सदा ही जय। हे माँ, सदा ही कृपा करना। हाँ सिकला जी, आज दो गाड़ी आ जानी चाहिए। हाँ 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 जी। प्रणाम पिताजी। ठीक है ठीक है। प्रसाद लीजिए। अरे यार, सिर दर्द बहुत कर रहा है, रात दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही पिला दी। चलो एक पैग और लगा लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या साहिल जी, आप सुबह सुबह शराब पी रहे हो? तो क्या हुआ, ये सेहत के लिए हानिकारक है। अपनी शिक्षा अपने पास रख, अब तू सिखाएगी क्या अच्छा क्या बुरा। साहिल जी, हम आपको पीने नहीं देंगे। तेरी ये जरूरत। क्या हुआ भैया, ये किस बात का झगड़ा है? और भाभी माँ क्यों रो रही है? सनी, तू अपनी पढ़ाई तक मतलब रख, और हाँ हॉस्टल जाने की तैयारी कर, गेट आउट। ठीक है भैया। मुन्नी बदनाम हुई, ए मिसरा तोरे लिए मैं झंडू बाम हुई। बंदा बनो भैया। और कितना बंदा बनूं? कलजुग आ गया मालको, कलजुग। क्या हुआ मुंशी जी? होना की सी मालको, एक मजदूर बंदा दिन पुर रात काम करता, उनू रोटी भी बड़ी मुश्किल ना नसीब हुंदी आ। काने जी ये पखंडी बाबे तरह तरह का भोजन खाते ने, ते एसी गड्डियां विच घूमते ने। मेरा तो जी करता कि मैं भी बाबा ही बन जा जी, मुछ टका के। बाबा बाद में बनना, चलो पहले जज के पास चलना है। चलो मालको। भैया कुंडा ला ली। ओए मुंशी जी। हाँ जी मालको। दिल्ली से जो गाड़ियां आने वाली थी वो आ गई क्या? मालको सुबह दे तुरे होने, शाम तक आ जाएंगे मुझ छटका के। नमस्कार अंकल। नमस्कार चाचा जी। जीते रहो बेटा। अंकल जी, सनी तैयार है हॉस्टल जाने के लिए? हाँ बेटा, वो ऊपर तैयार हो रहा है, जाओ जाके मिल लो। ठीक है जी। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो। सनी भैया। हाँ भाभी माँ। मन लगाकर पढ़ाई करना, इसी बात की चिंता मत करना। ठीक है भाभी माँ। हेलो सनी। हेलो, कैसे हो अब्दुल? आदाब भाभी। कैसे हो भाई, और सब ठीक ठाक? प्रणाम भाभी। प्रणाम भाभी। ठीक है भाभी माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ।
ठीक है, पढ़ाई अच्छी तरह से करना, मुझे किसी तरह की कंप्लेंट नहीं चाहिए। ठीक है पिताजी। ये लो अपना जेब खर्चा। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। जिंदा रहे पुत्रा, चक दे पढ़ाई वाले फट्टे मोछ टका दे। ठीक है चाचा जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार चाचा जी। ओ मिश्रा जी। हाँ मुंशी जी। उरे आओ उरे। अज मालक घरे नहीं, जा तू ठेके तो जाके लेके आई अधिया। ले आई अधिया, दारू होवे बढ़िया। मुझे टिका मिश्रा ले आया दारू। चल आए कर फिर हूं, दो गिलास ते एक जग बिच पानी लेके आ। गिलास धो के ले आया। हाँ? चल फिर आए तो कर, खान वास्ते नमकीन तो लिया। क्या लाऊं? पुजिया लिया, पुजिया। जिया? हाँ। एक मिनट। रख दे लवाने तेनू, जा पहला जाके मूली पट के लिया। मूली अभी लाया। ओ लिया मूली, इनू धो के ता लिया। अभी लाया। ओ लिया भाई, ओ खड़ जा लवा दू तेनू पिग, जा इतने नूण ता लिया मूली ते लाउन नू। रुक जा मैं पौना। खड़ जा पानी ता पादमा। चक खर्जा चेत कर ला। ओ भैया, मैनू लगता तेनू दारू चढ़ गई। दारू कानू, मैं तो थकावट चढ़ गई। आगे मालकू की बने अपनी जमीन दे केस दा मालकू। होना क्या है मुंशी जी, तारीख आगे बढ़ा दी। तुसी टेंशन ना लो मालकू, मैं लेना जी अंदरों लाल परी चाके मुछ छिटका के। महक जरा बर्फ लेकर आना।
साहिल जी आप शराब क्यों पीते हो? हम क्यों पीते हैं ये तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। हमें पूरा हक है पूछने का, क्योंकि हमारे पिताजी ने आपके साथ हमारी शादी की है। हम धर्म पत्नी है आपकी। बढ़िया ये पिता वाली, क्या दिया तुम्हारे पिता ने, सिर्फ धर्म पत्नी? अगर तू मेरी धर्म पत्नी है तो अपने पिता से 5 लाख रुपए ले। 5 लाख? हाँ 5 लाख। हमारे पिताजी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है, अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तेरे पिता के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो अपनी शीतला माता से मांग लो, जिनकी दिन रात तुम पूजा करती रहती हो। माँ शीतला से तो आप भी मांग सकते हो, माँ कभी किसी भक्त को निराश नहीं करती। पड़ी आई माँ वाली, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी चाय पी लीजिए। ठीक है चाय वहां रख दो और मेरे जूते लेकर आओ। और हाँ मेरी बात सुन, आज हमारी जमीन के केस का फैसला होना है, तू अपनी शीतला माँ से कह देना कि फैसला हमारे हक में होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी शीतला माँ के मंदिर को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं फिर मत कहना कहाँ नहीं था। साहिल बेटा आए पिताजी, जल्दी करो लेट हो रहे हैं। चलिए पिताजी। वकील से मेरी बात हुई थी, कमबख्त और पैसे मांग रहा है। हे माँ, आज हमारी परीक्षा की घड़ी है, कृपा करना माँ जमीन का फैसला हमारे हक में हो, दया करना माँ दया करना। ओ भैया जा जाके गेट खोलो, मैनू लगदा मालक आए ने मुझे टका के। हमें भैया भैया मत बोला करो, हम इसरा हूं, सब काम हमसे करवाते और खुद साहब बनी बैठी हो। और तेनू राजगद्दी ते बिठा दिए। मालिक नमस्कार। देखियो मालको बड़े खुश हूं, मैनू लगदा जमीन दा केस जित लिया लगदा। हां मुंशी जी फैसला हमारे हक में हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की गल है जी, दुश्मनों नू मूंह दिखानी पई जी, हुण पता लगू उन्होंने, हुण बह जाणगे टेके। जाओ भैया पानी लिया मालका नू मुछ टका के। पैग पुग भी लानी हैगी? ओ लावांगे पानी हाथ धो के लियाई। हमारे हाथों में क्या गोबर लगा है? ओए शगन हुंदा शगन? शगुन? शगुन तो मेहंदी का होता है। ओ लावां तेरे महबूब दी मेहंदी। हे माँ तेरा लाख लाख शुक्र है, साहिल जी माता की कृपा से आज हम केस जीत गए। ये तुम्हारी माता की कृपा नहीं है, हमने लाखों रुपया खर्च किया तब जाकर ये केस जीता है। बढ़िया ही माता वाली। अरे क्या हुआ, किस बात का झगड़ा है भाई? अंधविश्वास की भी हद होती है पिताजी, हमने वकीलों की जेबें गर्म की है पिताजी, तब जाकर हमारे ये जमीन का टुकड़ा हाथ लगा है। और ये कहती है ये सब माता की कृपा से हुआ है। अरे भाई तुम इन औरतों की बातों पे ध्यान मत दो, आओ मेरे साथ चलो। ओ लोका ने पी है तुपका तुपका, मैंने पी है डबे ना, मैंने चर गई ओए होए, मैंने चर गई ओए, सारा रा रा रा, मैंने चर गई ओए, सारा रा रा रा। ओ भैया है नहीं चढ़ती होंगी, और कैसे चरेगी, मैं चढ़ाऊं नू फिर ता। आ चको ये पैसे, जा ठेके तो लेके आ दिया, तेनू भी चढ़ाने आ घोड़े। उस दिन इसने मेरा बुद्धू बनाया था, हाँ आज इसका बनाता हूँ। ओ पैसे रखो तुम अपने पास, है मेरे पास सब कुछ है, ये लो असली है। ओ यार कीती ना कम दी गल, पहले गिलास तो लेकर आओ। ओ गिलास लियाना? आ चक गिलास, आपां दुकान तो लैन जाने आ, चक पा। ऐसे कैसे लगाएंगे, पानी भी चाहिए? ओ पानी भी हाजिर कर दिने आ, तेरे लिए समुंदर रिड़क दिए। आ फड़। अब ऐसे खाली कैसे अंदर जाएगा, मतलब खाने के लिए कुछ साथ में कुछ भुजिया? ओ पहला तुरन फिरन वाला कर तू, फेर ही जाऊं पैग पा पहला।
बस तू अड़क के ला ली नमकीन लिया पहला ठीक ओ थोड़ा ही पाई पानी इन्ना क मूह च आ जाता ठीक है थोड़िया जी इन्हों भी पिया दिए खड़िया रहन गिया चलो अब तो लेकर आओ ओ की खाना दसता सही भुजिया भुजिया ओ भुजिया भुजिए दी गल की आ आ चक खा भुजिया हैं नाले खा नाले खवा हाँ उस दिन इसने मुझसे मूली भी मंगवाई थी मूली मंगवाता हूँ अरे साथ में वो कुछ मूली लेकर आओ ना मूली नमक के साथ पैग लगाएंगे यार सलाद के साथ खाएंगे ओए लत्तां दुखदियां ने पैग पा मैं जाना ओए बस बस कट रख लो जल्दी लगाओ और जाओ ओ इधर नु की चाकी देना उधर देख आ बन गई भी गल अब जल्दी जाओ मूली लेकर आओ जाओ ओ मूली दा की आ मूली दा रोज खाना आ सगमल खा ये नहीं मूली 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 लेकर आओ इससे नहीं लगाएंगे हम पैग इससे नहीं लगाएंगे जाओ मूली लेकर आओ मूली के साथ लगाएंगे ओ मूली दी की लोड़ा आ गाजर नाल पी के देख इसके साथ नहीं हम तो मूली चाहिए मूली 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 फिर पैग पा जे मूली मंगाणी नहीं तो है कुछ आऊ ऐसे जाओ और कितने पैग लगाओगे ओए पा खेत जाना भी आ तेनू पता थकावट हो जाती है क्या है यार पापा मल बन के वो एक महीने भी लगाना है अभी ओ ला ली तू कोई नहीं तू मूली नाली जार ली आ हुण आया नजारा मुछ टका के मूली 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 लेकर आओ मूली हमें पैग लगाना है यार ओ खड़ जा चक मूली भी आ चक हैं तो पासा उल्टा पड़ रहा है ओ मूली देखी जाना पैग भी बना हुण ऐसा करता हूँ अपने में ज्यादा डाल लेता हूँ आ कीती भी बढ़िया गल तैं ओ ए ए तो मेरा पैग था कट पिया कर ओ वाह भी भैया अज तन आनंद लिया था लै भी रूह खुश होगी अज तेन एक गीत सुनाओ ना सुनाओ सुनाओ ओ पहले ललकारे नाल मैं डर गई बुरी ओ तुझे ललकारे नाल गाय डर गई ललकारे नाल खुल गया कटा ओ ता जागे मशीन विच लगया नी डुब जानी ता है फिर ता पराली नाल रजया नी डुब जानी ता चाचा जी चाय पी लीजिए रख दो बेटे ओ भैया हाँ जी चाय पिला के आती हूँ चाचा जी हम माँ शीतला के मंदिर जाना चाहते हैं ये तो अच्छी बात है बेटा मैं आपके साथ मिश्रा को भेज देता हूँ बिटिया रानी के साथ माता के मंदिर में जाऊँ
ठीक है मुंशी जी, इसी बहाने हम भी माँ शीतला का दर्शन कर लूंगा। पहले मैं अपना कपड़ा बदल लूं। चाचा जी, हम पूजा की थाली लेकर आए। जाओ शीतला माता, आप पे कृपा करी। चको जा मुझ टका के। प्रणाम भैया जी। सदा खुश रहो। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। धन्य आपके माता पिता जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए। हम भी माँ शीतला के भगत हैं और बड़ी खुशी होती है माँ के भक्तों से मिलकर। बहन, आपसे मिलकर मन को बहुत सुकून मिला। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आराधना बहन, हमारे ही क्यों, माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि माँ शीतला हमें अपने चरणों से जोड़े रखे, जिंदगी का हर पल माँ की भक्ति में व्यतीत हो। बहन जी, आप धन्य हो। अरे धन्य तो आप हैं प्रीतम जी, जो माता के बहाने दूसरों की औरतों से बातें करने का बहाना ढूंढ लेते हो। साहिल भैया, हमारे मन में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं। तू घर चल। हे माँ, इस बुद्धिहीन को बुद्धि देना। हुरु हुरु दबंग 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 हुरु हुरु दबंग 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 हुरु हुरु 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 दबंग। बंदा बनो भैया। और कितना बंदा बनूं? आलो मालको, पेमेंट संभालो। गुप्ता ते सिंगला ने ताजी पेमेंट देती, चोपड़ा ने तो सिर्फ ब्याज ही दिता। मल्होत्रा की पेमेंट का क्या हुआ? वो शाम तक आजू मालको। और हाँ मालको, सहल बेटे को भेज दिया बंटी के पास पैसे लेने को। वो कंबख्त बहुत हैरान कर रहा है। हाँ हाँ, मैंने साहिल को भेज दिया बंटी के पास पेमेंट लेने के लिए। अरे वो तो क्या, उसका बाप भी पेमेंट देगा। आ कितिया मालको गल स्वाद वाली मुझे टका के। जीती रहो बहू, जीती रहो बिटिया। चाचा जी, हमारे घर में माँ शीतला का जागरण है, आप सभी को आना है। अरे हाँ बहू, याद आया, हमारे समधी जी का पिछले हफ्ते फोन आया। वो कह रहे थे कि हम आपके गांव में जागरण करने आ रहे। हम जरूर आएंगे बहू। चाचा जी, महक से मिल लूं? वो बेटा, वो तो मंदिर गई है। कमाल होगी, जब वो आएगी तो मैं जरूर बता दूंगा। वाह भाई वाह। अच्छा चाचा जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू। मालको, लगता जागरण शुरू हो गया। अरे हाँ भाई, याद आया। मैक बेटा। आई पिताजी। बेटा तुम ऐसा करो, आज प्रीतम के घर जागरण है और वो हमें कह के गए हैं। बेटा हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि साहिल बेटा अभी तक आया नहीं। तुम जागरण में चली जाओ बेटा। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन एक बार साहिल जी से पूछ लेते तो अच्छा होता। अरे बेटा तुम साहिल की चिंता मत करो, आप बेफिक्र होके जाओ, साहिल को मैं खुद बोल दूंगा। ठीक है पिताजी। जे मालको आपका हुक्म होवे, महक बिटिया के साथ मैं भी जाऊं जागरण में। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी चले जाओ। अरे मालिक, मैं भी जाऊंगा। जाओ तुम भी चले जाओ। तू तो साढ़े नाल ही मरेगा मुझे टका के।
ओ फिटे मुंह तेरे। चलिए चाचा जी। चलो बिटिया। पिताजी मैं कहाँ गई? गई होगी पड़ोसियों के जागरण में। पिताजी आपने उसे रोका नहीं क्या? अरे भाई हमारे यहाँ सुनता कौन है? अरे वो तो अपनी मर्जी की मालिक है। उसकी ये जरूरत? आने दो पिताजी, उसकी तो खबर मैं लेता हूँ।
आ गई अपने यार से मिलकर। साहिल जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हम तो माता के जागरण पे गए थे। बहुत खूब, किससे पूछ कर गई थी? हाँ साहिल पुत्र, आपके पिताजी। मुंशी जी आप चुप रहे तो अच्छा है। अब तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जा। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं पिताजी, जरा सा पैर फिसल गया था। छुपाती क्यों हो, तेरे बाप को ही पता चले तुम क्या का गुरु खिलाती हो। आखिर हुआ क्या है, हमें भी तो पता चले। अरे होना क्या है, हमें बहू चाहिए थी बहू, और आपने ये पुजारी थमा दी हमारे हाथ में। ले जाओ इसे और बिठा दो किसी मंदिर में, वहीं करती रहेगी पाठ पूजा। सुन दीजिए, मैं मानता हूँ कि हमारी बिटिया धार्मिक विचारों वाली है, इसका मतलब ये तो नहीं जो आपके मुंह में आए वो कहते जाओगे। मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, हमारी तो इज्जत है। ऐसा क्या कर दिया मेरी बिटिया ने जिससे आप इतना भड़क पड़े? मेरे पिताजी की बात तेरे भेजे में नहीं पड़ी क्या, मैं समझाऊं क्या? अरे बेटा क्यों इनके मुंह लगते हो, बाहर निकाल कर फेंको इन भिखारियों को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अरे तू तो कहती थी तेरे बाप के पास कुछ भी नहीं है, ये गहने कहाँ से आ गए, झूठी कहीं की? अरे वाह, बेटी भी झूठी और बाप भी झूठा। अरे बेटा देख क्या रहे हो, निकालो बाहर इनको। समझी जी। तू चल साहिल जी, चल निकल यहाँ से, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। तू चल यहाँ से निकल, दफा हो। अरे कुछ तो भगवान से डरिए। अबे चल, बड़े आए माता के पुजारी। पंडित जी आप हमारे साथ आइए। पिताजी जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे पास इतने कीमती गहने नहीं थे, तो फिर ये सब। हाँ बिटिया, जब हम आपके पास आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक कन्या मिली। अचानक हवाएं कहां से चलने लगी? बाबा जी रुकिए, बाबा जी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमारा ये सामान ले लीजिए। अरे बेटा ये मेरे किस काम का, आप ऐसा करो आप ये भी रख लो और मेरे से पैसे भी ले लो। नहीं नहीं बाबूजी, आपको ये लेना ही पड़ेगा। ठीक है बेटिया, जैसी आपकी मर्जी। बाबूजी आपके ये चैन अच्छी लगेगी और ये कड़ा भी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। लेकिन उस समय तो गहने नकली थे। लेकिन पिताजी वो गहने मुझे असली लग रहे थे, मुझे पूरा यकीन है पिताजी वो कन्या माँ शीतला ही थी। जय माँ शीतला। हमने आपकी सारी बातें सुन ली पंडित जी, आप ऐसा कीजिए कुछ समय के लिए महक बहन को अपने घर ले जाइए, बाकी आप माता रानी पर छोड़ दीजिए, जो माँ करेगी वो अच्छा करेगी। ठीक है प्रीतम जी, हम ऐसा ही करते हैं, बाकी माँ शीतला जाने। ताजी सोना तो खरा लगता है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल असली है। कम से कम 5 लाख का तो होगा। मालको महक बिटिया तो तुसी 5 लाख मंगया सी, मां शीतला की कृपा नाल आपां नूं 5 लाख मिल गया, चाहे किसी भी रूप नाल मिलिया। जे अज 50 लाख भी मंगदे मालको 50 लाख ही मिल जाना सी। धन्नो मां शीतला धन्नो। लगता है महक का असर तेरे ऊपर भी हो गया है। हमने एक पुजारिन को घर से निकाला था और अब तू माँ शीतला का राग आपने लगा। वैसे मालको महक बिटिया को घर से निकाल कर आपने अच्छा नहीं किया। तेरी इतनी जरूरत, 2% का नौकर होके हमसे जुबान लड़ाता है बदतमीज। मुंशी जी सोना कीता, मालको सोना कीता,
सोना किया, चंगा मुल पाया मेरी वफादारी का। खैर मैं भुल गया सी कि मैं इस घर का नौकर हाँ। पुत्तां वांगू तेनू प्यार दिता, तेनू उंगली फड़ के चलना सिखाया, चंगा सिला दिता पुत, तू मेरे चंगा सिला दिता, सोहना किया मालको सोहना किया। चंगा जे कोई गलती हो गई हो माफ कर दियो। मुंशी जी रुको, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस घर में आपने मुझ जैसे बेसहारा को लाकर सहारा दिया, अगर आप इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है, हम भी आपके साथ चलूंगा। ऐसे मालिक तो मुझे दुनिया में लाखों मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिलेगा। चलो मिश्रा, हम नहीं रहेंगे जहां। ओके बाय, लव यू। अरे साहिल बेटा, बड़े खुश हो? खुश क्यों ना पिताजी, आज मैग भी चली गई, मिश्रा भी चला गया और मुंशी भी चला गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। आई एम हैप्पी। टेंशन है बेटा? वो क्या पिताजी, सब चले गए लेकिन इस घर में इस माता के मंदिर का क्या काम, उठा के फेंको इसको बाहर। ये कौन सी बड़ी बात है, चलो फिर अभी लो। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, किस बात की चिंता है? माँ शीतला का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों की बातें हमसे सुनी नहीं जाती। वैसे तो माता रानी ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन ना जाने हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो अभी तक हमें औलाद का सुख ना मिला। अरे पगली, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। कहते हैं माँ के घर में देर है अंधेर नहीं, तुम देखना एक दिन माँ शीतला हमारी जरूर सुनेगी। सुनाई तो मुझे भी दे रहा है, लगता है साहिल भैया के घर में कोई अनहोनी हुई है। तुम अभी रुको, मैं देख कर आता हूँ। चाचा जी ये क्या हो गया? साहिल भैया ये क्या हो गया? साहिल भैया, डॉक्टर। हे माँ कृपा करना माँ। चाचा जी, हेलो डॉक्टर साहब आप जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। Thank you.
डॉक्टर साहब। सनी बेटा अब मेरे साथ आइए। अब बैठिए। डॉक्टर साहब क्या हो गया? सनी हमने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, कोई भी हल नहीं हो रहा। कोई हल तो होगा डॉक्टर साहब। देखो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर हमें मरीजों के बचने की उम्मीद कम है। आप घर ले जा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो घर ले जाओ, बाकी भगवान की मर्जी। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। सनी पुत्र क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? चाचा जी डॉक्टर की तो कुछ समझ में नहीं आया, ना जाने कौन से पापों को सजा मिली है पिताजी और भैया को। सनी भैया एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है, आपके जाने के बाद इन्होंने तुम्हारी भाभी माँ पर बहुत अत्याचार किए। तुम्हारी भाभी और उनके पिताजी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तभी से जाके इनकी ऐसी हालत हो गई। सनी भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हो ना हो माँ शीतला का ही प्रकोप है। क्यों ना हम इनको शीतला माँ के मंदिर में लेके चलें, माँ शीतला इन पर जरूर कृपा करेगी। हम ऐसा करते हैं भैया और पिताजी को लेकर भाभी माँ के पिताजी के पास चलते हैं, वो भी माँ शीतला के भक्त हैं, और वहाँ जाकर हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो सनी पुत्र, मैं तो आपका फोन सुनकर ही समझ गया था कि ये शीतला माता का ही श्राप है, क्यों ना हम इन्हें वहां ले चलें। देखिए ना पिताजी। क्या हुआ बिटिया? माँ तू बड़ी दयालु है, इन बच्चों पे दया करना माँ, और माँ हमारी लाज रख लेना, दया करना माँ, दया करना। मैया जी तेरे भक्त बुलाते हैं, ए मेरी शीतला माता आजा। मैया जी तेरे भक्त बुलाते हैं, ए मेरी शीतला माता आजा। दर्श की आस लगा बैठे, दर्श की आस लगा
भक्तों का मान मैया रखना, बच्चों का ध्यान सदा रखना, भक्तों का मान मैया रखना, बच्चों का ध्यान सदा रखना। माँ तुम बिन कौन हमारा है, ए मेरी शीतला माता आजा, मैया जी तेरे भक्त बुलाते हैं, ए मेरी शीतला माता आजा। मैया जी हम तेरे दीवाने हैं, हम तेरे परवाने हैं, मैया जी हम तेरे दीवाने हैं, मैया जी हम तेरे परवाने हैं। नागर जी तो दास तुम्हारा है, हे मेरी शीतला माता आजा, मैया जी तेरे भक्त बुलाते हैं, हे मेरी शीतला माता। हे मेरे प्रिय भक्तजनों, जब जब भी कोई प्राणी अपने धन दौलत के अहंकार में आकर किसी दूसरे प्राणी पर अत्याचार करता है और पापों के हदों को पार करता है, तब हमें उस बुद्धिहीन को सही मार्ग पर लाने के लिए ये सब लीलाएं करनी पड़ती हैं। और जो भक्त हमारी सच्चे मन से भक्ति करता है और हम पर विश्वास रखता है, हमें अपने दुख सुख में याद करता है, मैं सदा उन भक्तों की रक्षा करती हूँ और मैं सदा उन भक्तों के अंग संग रहती हूँ। जयकारा शीतला मैया का। संधि जी, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। माँ शीतला ने तो हमें माफ कर दिया, हो सके तो आप भी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो समधी जी? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। महक बेटा, हम आपके भी गुनाहगार हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पिताजी, ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। महक, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रीतम भैया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मालको,
सुबह का भुलिया शाम को घरे आज भी ओनू भुलिया नहीं कहते। आप बहुत चंगा किया मुछ टका के।